नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर अपना लेसन चल रहा है थर्ड जनरल एंड सब्सिडरी बुक, और इसके अंदर अपना सब टॉपिक चल रहा है जनरल। तो जनरल एंट्रीज मैंने आपको बहुत सी बताई अभी तक, और आगे भी अभी बहुत सी जनरल एंट्री है। कल हमने जनरल एंट्रियाँ करी थी, ड्रॉइंग से रिलेटेड, आहरण से रिलेटेड करी थी। अभी देखो कि कई बार व्यापारी व्यापार में बताया था मैंने असेट्स खरीदता है, तो असेट्स वो कैसे खरीद सकता है, नगद और उधार, ये एंट्री करी कल हमने। कई बार ये होता है कि व्यापार में व्यापारी को ये जो निर्जीव संपत्तियां हैं उसके साथ सजीव भी चाहिए, जैसे मान लो व्यापार के लिए वो घोड़ा गाड़ी रखता है या फिर बैलगाड़ी रखता है, तो उसके लिए उसे वो घोड़ा या बैल परचेज करना पड़ता है। तो घोड़ा या बैल है वो परचेज करेगा, तो ये मान लो कि उसने क्या परचेज किया है, उसने असेट्स परचेज करी है तो वो असेट्स ही। लेकिन हम सजीव जो होता है, प्राणी जो है, उसको सीधा उस असेट्स का नाम नहीं लिख सकते, उसकी जगह आपको एक वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है, उसकी जगह अपने लाइव स्टॉक लिखते हैं। कहने का मतलब, आपने घोड़ा खरीदा तो आप ये नहीं करोगे हॉर्स टू कैश, आपने बैल खरीदा तो ये नहीं करोगे ब्लक टू कैश, आप क्या करोगे उसकी जगह, आप उसकी जगह लाइव स्टॉक लिख दोगे। आप उसकी जगह क्या करोगे, लाइव स्टॉक लिखोगे। क्या करना पड़ेगा आपको, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे देखो एंट्री अपनी होगी, व्यापार के लिए लिए घोड़ा बैल आदि क्रय करने पर व्यापार के लिए घोड़ा बैल आदि क्रय करने पर, तो व्यापार के लिए जब घोड़ा बैल आदि क्रय करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, देखो घोड़ा खरीदो चाहे बैल खरीदो, दोनों ही दशाओं में आप डेबिट किसको करोगे, आपको डेबिट है वो लाइव स्टॉक को करना पड़ेगा। एंट्री क्या करनी पड़ेगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, यानी आया क्या व्यापार में घोड़ा या बैल, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गया क्या कैश, क्यों घोड़ा बैल खरीदा तो आया घोड़ा या बैल लेकिन गया तो कैश है, टू क्या लिखेंगे अपने कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी डेबिट किसको करोगे लाइव स्टॉक को और क्रेडिट किसको करोगे कैश को। इसका नरेशन क्या होएगा, बीइंग जैसे घोड़ा या बैल कुछ भी खरीदो, उसके लिए आपको यहाँ पर मान लो हॉर्स खरीदा है तो आप क्या करोगे हॉर्स लिख दोगे, हॉर्स परचेज्ड या बोट फॉर बिजनेस यूज, यानी व्यापार के यूज के लिए आपने क्या किया है घोड़ा खरीदा है। तो जब आप व्यापार के यूज के लिए घोड़ा खरीदोगे तो आपको हॉर्स टू कैश नहीं करना, उसकी जगह क्या लिखना आपको, जब सजीव प्राणी कुछ भी खरीदोगे तो उसकी जगह आपको लाइव स्टॉक टू कैश लिखना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेशन क्या होगा, बीइंग हॉर्स परचेज फॉर बिजनेस यूज, कि आपने बिजनेस के लिए घोड़ा खरीदा है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कुछ एक एंट्री होती है जो माल से रिलेटेड होती है। कहने का मतलब, माल का अपने देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक तो माल को आप बेच सकते हो, जब माल बेचा जाता है तो माल बेचने पर आपको सेल्स को क्रेडिट करना पड़ता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब माल को बेचने के अलावा अन्य को यूज़ में ले लेते हैं तो फिर उसमें आपको परचेज वर्ड का ही यूज़ करना पड़ता है, आप उसमें सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि वो बिक्री नहीं है और गुड्स का उपयोग लेखांकन में किया नहीं जाता, इसलिए वहाँ पर आप परचेज वर्ड का यूज़ करते हो। आपने कई बार ऐसा होता है कि मान लो अपना बीमा करवाया हुआ है माल का, और माल क्या हो गया, माल जल गया, और अपने अग्नि बीमा माल का करवाया हुआ है,
तो देखो जब माल जलता है तो उसमें अगर अपना बीमा करवाया हुआ है तो बीमा कंपनी हमें उसमें पैसे देती है। बीमा कंपनी क्या करती है, पैसे देती है। कई बार ये होता है कि अपने पूरा की पूरी पूरी की पूरी राशि है वो बीमा कंपनी दे देती है, पूरा क्लेम दे देती है। कई बार ये होता है कि पूरा क्लेम नहीं दे पाती है, ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि पूरा माल जल गया इसलिए वो कुछ कम देती है। अब देखो जब माल जल जाए तो पहले आप ये देखो वो पता लगाना पड़ेगा कि क्या माल जलना व्यापार के लिए हानि है। तो पहले क्या करोगे, जब माल जल जाएगा तो या हो सकता है माल जल जाए, हो सकता है कि माल चोरी हो जाए, चोरी का बीमा भी हो सकता है, हो सकता है कि माल बाढ़ में ख़राब हो गया हो या भूकंप में ख़राब हो गया हो। किसी भी दशा में है तो लॉस ही तो, और लॉस हमेशा क्या होता है, लॉस को आपको हमेशा डेबिट करना पड़ता है। लॉस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए लॉस को तो आप डेबिट कर दोगे, गया क्या माल, तो आप क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट आपको परचेज को करना पड़ेगा। जब माल जल जाए चोरी हो जाए उसमें आपको क्या करना है, जब भी जल जाए लॉस बाय फायर, चोरी हो गया लॉस बाय थेफ्ट, अगर बाढ़ में चला गया लॉस बाय फ्लूड, अगर भूकंप में ख़राब हो गया लॉस बाय अर्थक्यूक। डेबिट तो आप इसे ही करोगे लेकिन क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट आपको प्रत्येक दशा में परचेज को ही करना पड़ेगा, टू परचेज करोगे। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया कि जब माल जल गया, कई अगर मान लो अपना बीमा नहीं करवाया हुआ तो सारा का सारा लॉस अपना हो गया। लेकिन अगर बीमा करवाया हुआ है, लेकिन अगर बीमा करवाया हुआ है तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जब बीमा करवाया हुआ हो तो उसमें हमें बीमा कंपनी कुछ देगी, बीमा कंपनी कुछ देगी तो जितने रुपए हमें बीमा कंपनी देगी उसके लिए आपको क्या करना है, जितने रुपए बीमा कंपनी देगी उसके लिए आप क्या करोगे, वो रुपए बीमा कंपनी के नाम लिख दोगे। पहले क्या करना है, वो राशि आपको इंश्योरेंस कंपनी के नाम लिखनी है और उसके पश्चात वो राशि बीमा कंपनी से प्राप्त करनी है। हो सकता है बीमा कंपनी आपको पूरी राशि दे दे, हो सकता है बीमा कंपनी आपको पूरी राशि ना दे। तो अब अपने लॉस संबंधी प्रविष्टियां करते हैं। अग्नि चोरी, अग्नि चोरी बाढ़ या भूकंप से माल की हानि होने पर अग्नि चोरी बाढ़ या भूकंप से माल की हानि होने पर क्या प्रविष्टि होगी, लॉस बाय, अगर मान लो लॉस है वो फायर से हुआ तो आप फायर लिखोगे, चोरी से हुआ तो आप थेफ्ट लिखोगे, तो लॉस बाय फायर थेफ्ट, फ्लूड या अर्थक्वेक, अकाउंट डेबिट, यानी जिससे भी लॉस होए, हो सकता है कि वो लॉस फायर से हो सकता है माल चोरी हो गया हो सकता है माल बाढ़ में ख़राब हो गया हो, या फिर हो सकता है भूकंप में ख़राब हो गया हो, तो जिससे भी ख़राब हो इसे क्या करना आपको, डेबिट। तो लॉस बाय फायर थेफ्ट फ्लूड अर्थक्यूक अकाउंट डेबिट, टू माल खराब हुआ तो टू क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। तो लॉस बाय फायर थेफ्ट फ्लूड अर्थक्यूक को तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसको कर दिया, परचेज को, तो क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। इसका नरेशन क्या आएगा, Being goods
closed by fire, theft, flood or earthquake. लॉस है वो किसके द्वारा हुआ? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, फ्लूड और अर्थक्यूक. यानी माल क्या हो गया? चोरी हो गया, आग से जल गया, बाढ़ में नष्ट हो गया या फिर भूकंप से नष्ट हो गया. अगर मान लो अपना बीमा नहीं करवाया हुआ तो पूरा का पूरा लॉस है वो हमें भुगतना है. आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है. हो सकता है कि हमने बीमा करवा रखा हो. अगर बीमा करवा रखा है तो बाद में उसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी आपको? देखो कि जितने रुपए बीमा कंपनी ने स्वीकार कर लिए, जितने रुपए क्या है बीमा कंपनी ने स्वीकार कर लिए, वो राशि तो अपने बीमा कंपनी के नाम लिखेंगे. जो राशि बीमा कंपनी ने स्वीकार नहीं की वो अपने लिए लॉस हो गया, इसलिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे. चाहे तो उसे फिलहाल अपने लॉस बाय फायर को ही डेबिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बाद में आपको उसे पी एंड एल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. इसलिए क्या कर सकते हैं, अपने जितने रुपए की राशि स्वीकार नहीं की है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे और लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर देंगे. अगर बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया तो बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करने पर जब बीमा कंपनी ने क्या किया हो, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया हो, उसके लिए लिखा क्या करना आपको, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट दावे की राशि से. मान लो कुल दावा स्वीकार कर लिया तो यहाँ पे कुल राशि आएगी दावे की राशि से. जितने रुपए कम स्वीकार किए वो किस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट दावे की राशि से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जितनी अपनी हानि होगी हानि की राशि से. कहने का मतलब जितना दावा कम स्वीकार किया ये आ गया हानि की राशि से. टू क्या करोगे, लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर जो भी होए, फायर, थेफ्ट, फ्लूड और अर्थक्यूक. टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लूड और अर्थक्यूक, ये आएगा टोटल राशि से. नेशन होएगा बीइंग क्लेम accepted by insurance company. Being claim accepted by insurance company. यानी बीमा कंपनी ने क्या कर लिया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया तो उसकी एंट्री क्या हुई, being claim accepted by insurance company. अब होएगा आगे बीमा कंपनी से, दावे की राशि प्राप्त होने पर बीमा
बीमा कंपनी से दावे की राशि प्राप्त होने पर, यानी बीमा कंपनी ने क्या किया, जितना क्लेम एक्सेप्ट किया वो राशि दे दी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो बीमा कंपनी से जब दावे की राशि प्राप्त होगी तो उसका लेखा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कहने का मील, जब आग, चोरी या फिर बाढ़ या भूकंप, इनसे क्या हो जाए, माल है वो ख़राब हो गया, जल गया, या कई बार ऐसा होता है बिल्कुल नष्ट हो गया, कई बार ये होता है कि कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो ये है कि अग्नि, चोरी, बाढ़ या भूकंप से यदि माल की हानि हो जाए तो उसमें क्या करना है, लॉस बाय फायर को डेबिट करेंगे, थेफ्ट को डेबिट करेंगे, फ्लूड को डेबिट करेंगे, फिर या अर्थक्वेक को डेबिट करेंगे। जो जिससे भी राशि प्राप्त किया उसे तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। खराब क्या हुआ माल, तो परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो टू परचेज अकाउंट लिखेंगे। अब बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करने पर, अगर बीमा कंपनी ने जितने का माल खराब हुआ पूरे का दावा स्वीकार कर लिया तो उसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट जो भी है। लेकिन अगर मान लो कम का दावा स्वीकार करे तो उसमें एंट्री क्या होगी, जितने रुपए कम स्वीकार किए वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने पड़ेंगे। अब है कि यहाँ पर कितने रुपए आएंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी के सामने मान लो 20,000 का माल अपना ख़राब हो गया, ये एंट्री 20,000 से होगी, लॉस बाय फायर थेफ्ट फ्लूड अर्थ क्यूक अकाउंट टू परचेज, ये एंट्री अपनी कितने से होगी, 20,000 से। फिर अब बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करेगी, अब बीमा कंपनी जब दावा स्वीकार कर रही है, मान लो इंश्योरेंस कंपनी कितने का दावा से, मान लो 18,000 का कर रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट है वो कितने से करेंगे, अपने 18,000 से करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कितने से करेंगे, 18,000 से। कितने का कम दावा स्वीकार कर रही है, 2,000 का, तो जितने का दावा कम स्वीकार कर रही है पी एंड एल में वो राशि ली जाएगी, तो पी एंड एल में वो राशि तो कितनी है, वो 2,000 है, और टू लॉस बाय फायर थेफ्ट फ्लूड और अर्थ क्यूब, यहाँ पर कितने रुपए डालेंगे, 20,000। बाद में क्या हुआ, वो राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होगी, मान लो बाद में क्या है, वो राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होगी, तो बीमा कंपनी से वो राशि प्राप्त होगी तो उसकी एंट्री क्या करनी होती है, हमें कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि ये तीनों की तीनों प्रविष्टियों की जगह आपको एक प्रविष्टि करनी पड़ती है, वो कब होती है, जब मान लो कि ये तीनों प्रविष्टियां आपको एक ही दिन करनी हो तो आप इन तीनों प्रविष्टियों की जगह एक प्रविष्टि कर सकते हो, और वो प्रविष्टि क्या होगी, देखो इसको काट के देखो लॉस बाय फायर को यहाँ हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया। लॉस बाय फायर जितनी राशि से डेबिट हुआ उतनी राशि से वापस क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया, तो ये एंट्री आपस में कट गई। इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर हमने डेबिट किया, यहाँ पर क्या किया, क्रेडिट किया, ये एंट्री भी कट जाएगी। अब बच गया अपने पास परचेज बच गया, पी एंड एल बच गया, कैश बच गया। तो यदि ये सारे कार्य एक ही दिन हो जाए, मान लो उसी दिन तो माल नष्ट हुआ, उसी दिन माल क्या है, बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार कर लिया गया, और उसी दिन हमें भुगतान भी प्राप्त हो गया, तो फिर क्या करना है, हमें इन तीन प्रविष्टियों की जगह एक प्रविष्टि करनी है, और वो प्रविष्टि क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को तो क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, और पी एंड एल को डेबिट करेंगे जितने कम से दावा स्वीकार हुआ, और टू क्या लिखेंगे, उसमें परचेज लिख देंगे, तो परचेज को क्या करेंगे, वहाँ पे अपने क्रेडिट। तो इन तीन प्रविष्टियों की जगह एक प्रविष्टि की जाएगी, वो कब होएगी, देखो यदि
माल की हानि होने वाले दिन ही दावा स्वीकार कर लिया जाए। तथा उसी दिन बीमा कंपनी से दावे की राशि वसूल हो जाए। उसी दिन क्या हो, दावे की राशि वसूल हो जाए। तो जितने रुपए हमें वसूल होंगे उसके लिए आप क्या करोगे, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट दावे की राशि से। जितने रुपए कम स्वीकार किए वो कहां पर जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हानि जो अपने आप वास्ते में हुई है, हानि की राशि से। टू, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें टू परचेज लिखना है, टू परचेज अकाउंट। यानी क्या, जितने कैश अकाउंट में कितने आएंगे, दावे की राशि से। जितने का क्या है, दावा स्वीकार कर लिया जाए, हानि की राशि यानी पी एंड एल में कितनी राशि जाएगी, जितने की वास्तव में हानि हुई है तो वो आएगी पी एंड एल से, और परचेज में कितने आएंगे, कुल राशि से। अब तीनों कार्य एक ही दिन हो गए, क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय, जो भी एफआईआर या जो लिख देना, एंड क्लेम एक्सेप्टेड बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय एंड क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। और चौथा आगे, और कैश रिसीव्ड बाय एंड कैश रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर तीनों कार्य एक ही दिन हो जाए, उसी दिन तो क्या हो, माल जल गया हो, उसी दिन बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया हो, और उसी दिन हमें कैश प्राप्त भी हो गई हो, उसकी एंट्री क्या करनी है आपने, जितने से दावा स्वीकार कर लिया, वही मान लो 20,000 का माल जला, 18,000 का दावा स्वीकार किया तो कैश में आ गया 18,000, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 से। 2,000 से क्या हो गया, मान लो लॉस हो गया तो पी एंड एल में कितना जाएगा, 2,000, और परचेज टोटल आएगा 20,000 से। ये हो गया अपना जब माल की हानि हो गई हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी एंट्रीज है वो कल करेंगे। धन्यवाद।